चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जेएमसी में पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 4 लाख लोगों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रदेश में 5 दिनों तक चलेगी। 13 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीन आएगी। स्टोरेज के बाद 16 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिसका कोविन ऐप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। हर सेंटर पर 1 दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले और दूसरे डोज के बीच 28 दिनों का अंतर रहेगा। पहले चरण में हेल्थ वर्करों को और दूसरे चरण में कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। अलग अलग स्तर के बेनिफिशियरीज की लिस्ट है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हमें हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगानी है। दूसरे चरण में जो हमारे फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगानी है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों, सफाई से जुड़े हुए हों, पुलिस हों, पैरामिलिट्री वाले हों, एनसीसी वाले, उनको लगानी है। और थर्ड फेज में जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो हमारे नागरिक हैं और जिनको 2-3 तरह की कोमॉर्बिलिटी हैं उनको ये लगाई जानी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस वर्ग को प्रिस्क्राइब्ड है वो वर्ग यहाँ पर आए और हमारे सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए वो सही समय पर हमारे पोर्टल पर दर्ज हो जाए।